चलो। ले लिया? हाँ ले तो लिया। ओहो क्या बात है, कैसा है आईफोन 13 के जैसा है? नहीं नहीं डिफरेंट है यार। नहीं कलर का डिफरेंस है। कलर का डिफरेंस है ये वुमन कलर का डिफरेंस हुई नहीं। स्टॉप। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ओके गाइस, सो आज हम देखने वाले थोड़े ऐसे ही रैंडम मीम्स, ट्रेंडिंग मीम्स जो कि मेरे को ऐसे ही मेरे फैंस लोग बीच-बीच में भेजते रहते हैं, तो आज हम वो सारे मीम्स को रिव्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला मीम है जहां एक छोटी बच्ची अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग के शादी कर। और आपको शादी करने का प्रोसेस भी सिखा रही है। हाँ बेटा तुम्हीं को तो सबसे ज्यादा पता है, हम दोनों आज शादी करने आए हैं घर से भाग के, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, बट हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे। और मुझे पता है हम दोनों का कम एज है, पर तभी भी प्यार के आगे कुछ भी एज वेज नहीं देखा जाता। आखिरकार एक दिन ना एक दिन उनको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा हम दोनों के प्यार को, राइट? तो अभी हम दोनों एक दूसरे को बरमाना बनाएंगे, उसके बाद तो यू उसके बाद ये लड़का क्या किससे प्यार करते हैं? वाह बरमाला पहनाने के लिए गुड यार, जबरदस्त यार, जबरदस्त। और नहीं नहीं यार, खुशी थे आंसू ने हम लोग भी। हमको पता है हमारी एज कम है, लेकिन प्यार के आगे कुछ नहीं। अबे एक लाफा मारूं भी भूख लगेगा तो क्या करेगी, मैं प्यार खाएगी? खा सकते हैं। मैं इसको इलाबोरेट नहीं करना चाहूंगी गाइस, लेकिन भूख लगेगी। और वो खाना खाएगी ना, उम्र का है, बच्चा है, उसको कोई काम वाम कर नहीं दिया, पैसा नहीं लाया घर, तो क्या खाएगी बहन? तो क्या खाएगा बे? और लड़का बेचारा तो मतलब पूरे वीडियो में ऐसे एक्सप्रेशन पे था, बोला है लड़की ने वीडियो ऐसा ही पसंद दे रहा था। उसको खुद कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है, ये बरमाला पहन के बोल रही हो गया होगा, बॉडी का बकरा बन गया। हेलो 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 लगा है। अरे वाह गुड आइडिया। हाँ बे, वो ट्रेंड नहीं चल रही इंस्टाग्राम पे, व्हाट इफ शी और ही डजंट मैरी यू, उसके बाद पे कुछ लोग लगा दे रहे हैं ऐसा काला जादू है, कुछ भी कर रहे हैं वे लोग, प्यार पाने के चक्कर में इतना सब कुछ करना पड़े ना, तो प्यार नहीं है वो, अपनी बुद्धि को ठिकाने ला। ये क्या, ये क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है ना अंधा हो। लेकिन मैंने तो देख लिया, अब क्या करूं मैं? कितनी पागल है भई ये, मतलब सिंदूर लगाए तो लगाए पर रोने का क्या है भाई इसमें? पति प्यार नहीं करता तो मत लगा वे सिंदूर। अरे इस उम्र में लगाए क्यों रहे हो बे पागल? और एक बात बता दूं, आज की टांग निकलो क्या तुमने? जो प्यार हंसाने के बाद रुला दे उस प्यार का क्या फायदा? ओ यार ये क्या, सबसे पहले दुनिया में किसी का कटे ना कटे, पर अगले क्षण जो ब्रेकअप होने वाला है ना इस वीडियो के बाद, जो सबसे पहला ब्रेकअप होगा दुनिया में वो इस लड़की का ही होगा। इतनी ज्यादा केयर करोगी ना कोई वैल्यू नहीं करेगा तुम्हारा, लुल्लो जाओगी उनकी जिंदगी में, समझी? बाइक चलाते हुए हाथ दबा रही है पगली। जब उसको दूसरी लड़की मिल जाएगी और तुम यहाँ से टेक्स्ट कर रही होगी ना, तुम उसको छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगी, तो गला दबाने वही आएगा तुम्हारा पहले, समझी? वीडियो देख के लोग स्मार्ट तो हो जाएंगे, मेरे को इतना तो पता है। मैं भी अपना ऑनलाइन टीचिंग क्लास खोल लूं क्या? क्यों नहीं, एक सेकंड, पंत इतना भी चौड़ा नहीं है। नसीम और उर्वशी बतिया रहे थे तो
ये क्या? एक झापड़ दे दिया उर्वशी को और आगे बंदूक से नसीम को डरा के ओ, ओ पंत भाई का दिल दुख गया। अरे नसीम भाई भी ज्यादा नहीं, वो तो यही बोल रहे थे तू है कौन बे उर्वशी। मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है, क्या है, क्या नहीं। It's like a murder. I would say more than a murder. मुझे भी नहीं पता ऐसा लाई उर्वशी कौन। मैं इसको लव डोज में देखा सीधे और उसके बाद मैं अभी देख रही हूँ इसको कंट्रोवर्सीज में। और फिर मैंने इसका इंस्टाग्राम एक दिन विजिट किया तो इंडिया फर्स्ट, ये वर्ल्ड फर्स्ट। इंडिया और वर्ल्ड को खुद ही नहीं पता है कि ये फर्स्ट कब हुई है इस चीज में। मैं किसी और की हो ही नहीं सकती, अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, इसे कस के हक किए एक दूसरे को। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इस लड़के ने जानबूझ के अपने आप को काला वाला बनाया है, बाल वाल खराब किए हैं, एकदम चोमू जैसा लग रहा है जानबूझ के, क्योंकि लड़की के एक्सप्रेशन देख के लग रहे हैं ये लोग फेक कर रहे हैं। एक सेकंड, यही लड़की थी ना जो शादी कर रही थी। हम दोनों आज शादी करने आए हैं, घर से भाग। लेकिन लड़के ने इसमें भी इतना टट्टी एक्सप्रेशन दिया है ना, पक्का लड़की ने उसको जितना देने की बात की होगी ना उसका आधा ही दिया होगा उसको। घर के नीचे खड़े हो गए, उसने उठाया भी नहीं गया। ये ऐसे वीडियोस आजकल वायरल ही हो रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा मेकआउट कर रहा होता है गली के बीच में घुस के, और कोई ऊपर से पानी फेंकता है, फिर चप्पल फेंक के मारता है और पूछता है क्या कर रहे हो, क्या भाई पूरा तो देख लिया तूने, आप क्या कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हैं। बाय द वे गाइस, दोनों मेकआउट करते करते पानी पानी हो गए, मतलब ऊपर से जब उन लोगों ने पानी फेंका तो ये दोनों पानी पानी हो गए। ये क्या? शीला के बेटे हो ना बेटा? नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ये मेरे स्कूल का दोस्त है, असल में ये पी रहा था तो इसने ऊपर तक जा रहा था ना, धुआं दिख गया। आप भी स्मोक करते? कोई नहीं बेटा, इसमें क्या, आजकल सभी करते हैं। जी आंटी, मम्मी को मत बताना। अरे नहीं, मैं क्यों बताऊंगी बेटा। नहीं बेटा, मैं नहीं बताऊंगी। ये तकरीबन 6:30 बजे की बात रही थी जब मैं प्याज लेके आ रही थी, और तब मैंने देखा अपने बॉयफ्रेंड के कंधों में हाथ रखा हुआ था और खूब हंस रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और शायद जेब में एक दारू की बोतल भी थी। भाई मीर चौसाल लगा के ऊपर लिखा वी ऑल हैव दिस आंटी। अच्छा, मैंने और मेरे घर वालों ने कभी ज्यादा सोशलाइज किया नहीं। आई डोंट रिलेट विद दिस गाइस, नो नॉट एट ऑल। ये क्या? अबे अपना चश्मा तो नाक पे रखा है। अच्छा कुछ, अच्छा क्या बात है सर, कुछ नहीं मतलब यार, क्या है ये, पर ये बात मतलब उसका चश्मा आधे नाक पे लटका हुआ है, उसको वो ठीक से कर नहीं रहा है, बाल उसके ऐसे छपरियों जैसा आधा सर पे आँख को ढक रहा है, वो उससे ठीक नहीं हो रहा है, और लड़की का टॉप जो कि सही जगह पे उसको खींचे जा रहा है। The girl be like, हमार पोलियो की बीमारी बता के रुला देता है पगला। भाई कुछ खाया कर, समझा? इसको बॉडी शेमिंग में मत लेना गाइस प्लीज। मैं उसके भले के लिए बोल रही हूँ, ही शुड बी हेल्दी फर्स्ट, उसके बाद वो कुछ भी करे ठीक है। अच्छा। क्योंकि हेल्थ इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको पता है क्या गाइस, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज कनेक्टेड। मतलब तुम फिजिकली फिट रहोगे ना तो मेंटली भी खुश। अच्छा। मेरी जोली नहीं देखो भी ट्राइसेप्स। अच्छा आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी इनसे मोहब्बत हुई कैसे? ये दुपट्टे रंगते थे, कलर करते थे दुपट्टों को। कैसे क्यों, क्या कौन बेटी अपने बाप से प्यार नहीं करती है। अच्छा। बहुत शौक था दुपट्टे कलर करवाने के लिए, जाती थी मैं इनके शॉप पे, तो मुझे इनसे प्यार हो गया, फिर इन्होंने मुझे दुपट्टे गिफ्ट भी किए। अच्छा। बोली है भाई, ये दुनिया की पहली लड़की होगी जो इतने सस्ते गिफ्ट में मान गई, दुपट्टा गिफ्ट कर दिया था इन्होंने, फिर मुझे इनसे प्यार हो गया। अगली जी बाबा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये 18 साल लड़की आपके पास दुपट्टे रंगाई करवाने आती थी, तो आपने इनको अपनी मोहब्बत में मुब्तला किया तो किया कैसे? देखिए, जोड़ियां आसमानों में बनती है। मेरी 62 साल उम्र हो गई है लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी, और मेरी जिंदगी में ये आई है। अच्छा। इन्होंने मेरे घर को और मेरी जिंदगी को गुलो गुलजार कर दिया। अच्छा। चमन प्राश।
चाचा तो 62 के हो गए, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन भाई मतलब बहन तू तो 18 की है ना, तेरा तो सही जगह पे होगा। क्या चीज़? नहीं, इसको भी तो जवानी अभी चढ़ी रही है। अच्छा। लेकिन फिर भी यार तू चाचा से तो ज्यादा मतलब होगी यार, थोड़ी समझदार तो बहन। दुपट्टा कलर करते थे, मेरा दिल कब रंग दिया पता ही नहीं। अच्छा। चला पगली हट। ये क्या होता है यार? बस इससे ज्यादा हम आगे नहीं देखना चाहेंगे, पक्का इस वीडियो में चुम्मी चाम्मी भी हो रही होगी। मैंने सीरियसली नहीं देखा इसको और मैं आगे भी नहीं देखने वाली हूँ, बहुत अजीब लगते हैं मेरे को ऐसे वीडियोस। और ऐसे वीडियोस देखने के बाद मेरे अंदर से एक ही चीज आती है, नेत्र दान कर दूं क्या? चाचा अपने बेस्ट फ्रेंड को घर पे लाए हैं यार, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ, दैट्स एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपके वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स में मुझे बताओ इफ यू वांट टू वॉच मोर सच मीम रिव्यू वीडियोस, और वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक ख्याल रखना। बाय बाय।